वेलकम इन ढाबा फॉर यू। आज रक्षाबंधन स्पेशल में हम बना रहे हैं कोकोनट खोया बर्फी। इट इज़ वेरी डिलीशियस एंड इजी रेसिपी एज वेल। तो इस फेस्टिवल सीजन में आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी बनाना। पहले हम ड्राई कोकोनट्स को क्रश करेंगे। आप बाज़ार से भी कोकोनट पाउडर ला सकते हैं, पर घर का बनाया ज़्यादा अच्छा बनता है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम कोकोनट पाउडर। दो लीटर दूध। इसे दूध को खोया बनने में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, काम करते करते एक साइड में दूध को चढ़ा दें, लो फ्लेम पर रखें और बीच बीच में चलाते रहें, तो आपका काम भी हो जाएगा और खोया भी बन जाएगा। दूसरा ये भी कर सकते हैं, कंटिन्यूस बैठ कर हाई फ्लेम पर इसे चलाते रहें तो ये जल्दी बन जाएगा। 1 से 2 हरी इलायची। हमारा दूध तकरीबन गाढ़ा हो चुका है, अब हम इसमें कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 250 ग्राम चीनी। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो 2-3 चम्मच कम ही डाल दें। अच्छे से मिक्स करें जब तक कि चीनी मेल्ट हो जाए और दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ मैंने इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है क्योंकि मुझे 3 कलर्स में बनानी है। आप इसे 1 कलर में भी बना सकते हैं। 2 चम्मच दूध, ऑरेंज फूड कलर, आप कोई भी कलर डाल सकते हैं। मैंने पहला पोर्शन पैन में डाला, ऑरेंज फूड कलर, अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। अब इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं यहाँ राउंड शेप दे रही हूँ। पहले इसे ऑयल लगाया, इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए। आप इसे थाली में भी बना सकते हैं, फिर स्क्वायर पीसेस काट दें। अब ये दूसरा पोर्शन, इसको हम ग्रीन कलर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसे भी राउंड शेप दे देंगे। अब मैं तीसरे को कोई कलर नहीं दे रही, इस वजह से 2 से 3 चम्मच दूध ऐड करेंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। कोकोनट खोया बर्फी तैयार हो चुकी है। इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।